सर मुझे तो कुछ भी यहाँ नहीं पर दिख देखो रहा। बच्चों, यहाँ पर ओके ओके लुक लुक ओवर हियर, यहाँ पर सर मेरा आंसर करेक्ट है। हाँ ईशान सही है अभी आपका आंसर। नहीं ईशान, एक सेकंड ईशान, हाँ यस ईशान सही करेक्ट। देखो आप कोई भी दो दो डिफरेंट क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, समझ में आ रही बात? हाँ सर, हाँ सर, आप डिस्टेंस और डिस्टेंस टाइम को को टाइम के सब्ट्रैक्ट साथ नहीं। सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, और आप मास को वेलोसिटी के साथ भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। आप मास को किसके साथ सब्ट्रैक्ट कर सकते हो? मास मास सर, के मास साथ। से मास को सर, वेलोसिटी से कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे? ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए दिस क्वांटिटी एंड दिस क्वांटिटी शुड बी सेम, बट आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, क्यू फोर मोमेंटम होगा ना। हाँ ये मोमेंटम होगा। तो यहाँ पर आप जो आप डिवीजन कर सकते हो, पर आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, आप टाइम के साथ टाइम को ही ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। आप सर बट ये टाइम के साथ Q1 मास को तो ऐड Q2 नहीं कर सकते हो। सर, बट ये Q1 Q2 Q3 Q4 क्या इसका सर मुझे। आंसर हो जाएगा डी, आंसर विल बी डी। ठीक है, हाँ और सर, इसी प्रिंसिपल को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या बोलते हैं? सर मुझे ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सर नहीं समझ में। बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। देखो बहुत ही सिंपल है, समझना। कोई भी आप फॉर्मूला देख लो, जैसे आपने ये अलग फॉर्मूला देखा होगा, करेक्ट? एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ठीक हाँ सर, हाँ है, सर, तो अब इस फॉर्मूले में क्या होगा? अब देखो, अगर ये मेरा क्या है, दिस इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, इसका यूनिट क्या डिस्प्लेसमेंट होगा? सर, मीटर, मीटर होगा। तो ये वाली जो यूनिट है, इसका भी यूनिट कितना होना चाहिए? मीटर होना चाहिए। हाँ इसका सर, यूनिट टाइम हो सकता है, सेकंड हो सकता है इसका यूनिट, नो और सर, इसका यूनिट क्या होगा? मीटर, मीटर मीटर। होगा, करेक्ट। दैट मींस व्हाट, जब भी हम कोई फॉर्मूला देखते हैं, उसमें हम जो चीज कुछ मतलब जो एडिशन हम कर रहे हैं, मेरा मान लो बीच में कुछ एडिशन है, ठीक है, ठीक, तो दैट मींस व्हाट, यहाँ पर इसका यूनिट सेम होगा, इसके डायमेंशन सेम होंगे एज दैट ऑफ दिस। यस सर, क्योंकि अगर ये एडिशन फॉर्मूला पॉसिबल है सब्ट्रैक्शन ना, अगर मेरा कोई ऐसा फॉर्मूला है, लेंथ इज इक्वल टू, मान लो मैं ऐसा फॉर्मूला दे दूं, लेंथ इज इक्वल टू सम फिजिकल क्वांटिटी पी प्लस सम फिजिकल क्वांटिटी क्यू, तो फिजिकल क्वांटिटी पी को मैं बोल रहा हूँ टाइम है, फिजिकल क्वांटिटी क्यू मैं बोल रहा हूँ क्या, डिस सर, मास टाइम, मान लो, मास मास मास, पॉसिबल है क्या? नो नहीं सर। सर, आएगा यस, तो तो पी के भी डायमेंशन क्या होने चाहिए? मीटर होने चाहिए। क्यू क्यू क्वांटिटी भी मीटर होनी चाहिए, ठीक है, तो इसके भी डायमेंशन मीटर होने चाहिए, इसके भी डायमेंशन मीटर होने चाहिए। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, सर, वो स्पेलिंग क्या है होमोजेनिटी की? HOMOGENITY, होमोजेनिटी, ठीक है। सर आप डेफिनेशन लिख सकते हो क्या सर? तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अगर हमें लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? सर वो दिस सिर्फ इन द सिलेबस, क्या क्या दिस इन द सिलेबस। देखो, इसका एप्लीकेशन आपको आएगा, ठीक है, सिलेबस आपका कुछ डिफाइंड नहीं रहता होमी भाभा में, इसका एप्लीकेशन बेसिस, इसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे आपको, ठीक है, तो ओके सर, इसका एप्लीकेशन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होगा तो चलेगा ना? हाँ चलेगा, फिर उसमें भी लेफ्ट हैंड के और राइट हैंड के डायमेंशन आपके सेम आने चाहिए, ठीक है। हाँ सर, फाइनल डायमेंशंस। सो फॉर एनी फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, फॉर एनी फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या होना चाहिए? डायमेंशंस ऑफ व्हाट, डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड साइड साइड शुड बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड। RHS। ठीक है, समझ में आई ये बात, समझ में आई ये बात? हाँ सर। ओ सर, तो सर चलो इस एक पर मिनट, मैं एक वो नोट लिख रहा था और लिख लो, लिख लो सर। जल्दी से लिख लो। हाँ यहाँ पर देखो, देखो सर वो यहाँ मैं पर, अभी अगर मैं इस, डिस्कनेक्ट हो गया था। नहीं मैंने भी कुछ बताया नहीं मैंने, देखो अगर मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख रहा हूँ, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, अब देखो ये तो डिस्प्लेसमेंट, इसके डायमेंशन क्या होंगे? एल होंगे, एल होंगे कि नहीं होंगे?
यस सर। यूटी के डायमेंशंस क्या होंगे? एल टी माइनस वन इंटू टी कर दो, क्या आ गए इसके डायमेंशंस सर? एल आ गए कि नहीं आ गए? आ गए कि नहीं आ गए एल? यस सर। ए टी स्क्वायर का देखो एक्सिलरेशन, ए इज व्हाट एक्सिलरेशन ना, एक्सिलरेशन का डायमेंशन क्या था? एल टी माइनस टू। एक्सिलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना एक्सिलरेशन, तो मीटर एल सेकंड इज टी टू द पावर ऑफ टू, करेक्ट? तो एल टी माइनस टू इंटू टी स्क्वायर। सर ये भी एल आ गया। यस, इसका भी डायमेंशन एल आ गया। तो देखो एल इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, तो यहाँ पे हाफ हम नहीं कंसिडर करेंगे, मैंने बताया नंबर हम नहीं लेते डायमेंशन में, ठीक है सर? वो आप ही सेंड तो कर दोगे ना? हाँ मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है सर। यस यस टेल मी सर, बट इट आल्सो इज टी, सो इज टी आल्सो ओके? क्या क्या, तो इसको ये मत लिख देना l इज इक्वल टू 2l, यू डोंट राइट इट लाइक दिस, इज नॉट मैथमेटिकल इक्वेशन, ठीक है? ये बोल रहे हो आप, क्या बोल रहे हो? नहीं सर, मार्क लगाना इस क्वेश्चन में, ठीक है सर? दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन है, तो अपने उधर तीन क्यों लिखा है? मैं बता रहा हूं, बता रहा हूं, देखो अभी यहां पर क्या है, p plus a upon v square, मैं बता रहा हूं ये क्या है यहां पर, ठीक है? यह v minus b equals to constant, ठीक है? अब यहाँ पे आपका p है आपका प्रेशर, v है आपका वॉल्यूम, तो आपको बताना है डायमेंशन ऑफ a एंड b क्या है, बताओ जल्दी। अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन ओके, अभी मैं इसका एक हिंट दे रहा हूं आपको, इन केस अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो। मिताली आई एम नॉट एबल टू हियर यू। ओके, तो देखो यहां पर मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि हम कोई भी दो देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है, कि आप दो सेम फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, है कि नहीं है? आप दो सेम फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, यही प्रिंसिपल यहाँ पे लगने वाला है। ओ सर, सर मैं, मेरा सर का जो यूनिट होगा, बी का जो डायमेंशन होगा, बी का डायमेंशन तो वॉल्यूम की तरह, मतलब ऑब्वियसली बात है ना, वॉल्यूम से आप वॉल्यूम को ही सब्ट्रैक्ट करोगे, वॉल्यूम से आप मास को तो सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते हो, तो बी के जो डायमेंशन है दैट विल बी एल क्यूब, या बी का यूनिट विल बी मीटर क्यूब, ठीक है? ठीक है ना, अच्छा, क्योंकि वॉल्यूम में से ही वॉल्यूम घट सकता है। यस, अभी होमी बाबा में आपको ऐसे इक्वेशन दे देगा और पूछेगा व्हाट इज द यूनिट ऑफ बी, हो सकता हो ए का यूनिट भी ना पूछे, बी का यूनिट पूछे, तो आपको अब क्लीन बोल्ड हो जाओगे, ठीक है? तो बट बी का यूनिट बहुत ही सिंपल है, बी का यूनिट इज मीटर क्यूब, ठीक है? बेस्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल कैलकुलेट द डायमेंशंस ऑफ ए नाउ। अभी मैंने बी का बता दिया आपको, ए का भी जल्दी से मुझे कैलकुलेट करके बताओ। स्टार्टिंग से तो मैंने बस यहां पर आपको ये बताया कि यहां पर देखो ये प्रेशर है और ये आपका कोई और फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है? a by v square, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, बट इसके जो डायमेंशन होंगे वो तो प्रेशर के ही होने चाहिए ना। अगर इसके डायमेंशन मान लो फोर्स के हो गए तो गलत हो जाएगा मेरे ये इक्वेशन ही गलत हो जाएगा, ठीक है? तो फिजिक्स में अगर इस इक्वेशन को वैलिड होना है तो a by v square के जो डायमेंशन है वो किसके बराबर होने चाहिए? वो प्रेशर के बराबर होने चाहिए, ठीक है? इसी तरह हम वॉल्यूम को वॉल्यूम के साथ ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, टाइम के साथ तो सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो बी का यूनिट क्या हो जाएगा? बी का यूनिट हो जाएगा एल क्यूब, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है? एल क्यूब होता है, ठीक है? ओके सर, ए बाई बी स्क्वायर, एक सेकंड लेट मी एक्सप्लेन, फिर आप पूछ लेना आपका डाउट। ए बाई बी स्क्वायर का जो यूनिट है वो किसके बराबर होना चाहिए? प्रेशर के बराबर होना चाहिए, डायमेंशनली इट शुड बी सेम एज प्रेशर ना। अब प्रेशर का हमें डायमेंशनल फॉर्मूला देखो मालूम है, निकाल लो यहाँ पर, अगर नहीं आपको याद आ रहा है तो जल्दी से निकाल लो। प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स एम एल टी माइनस टू होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन डिवाइडेड बाय एरिया एल स्क्वायर, तो प्रेशर विल बी एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ठीक है? ठीक है ना, ओके। तो अब देखो यहाँ, और वॉल्यूम का एल क्यूब, तो वॉल्यूम का स्क्वायर कितना होगा? एल टू द पावर सिक्स। बस अब यहाँ पे सब वैल्यूज पुट कर दो, a upon l to the power 6 should be equal to same as pressure m l minus 1 t minus 2, ठीक है? तो यहाँ पे a की जो value होगी that will be this, ठीक है? समझ में आया आर्यन? हाँ सर, अभी समझ में आया। ओके सर।
अब अगर आपसे कोई पूछे एएस के डाइमेंशंस क्या होंगे तो बता सकते हो? बताओ व्हाट विल बी द डाइमेंशंस ऑफ ए इनटू एस? मीटर क्यूब. मीटर क्यूब? मीटर क्यूब सर, एल एल स्क्वायर टी माइनस टू. तो ये वेलोसिटी के स्क्वायर के बराबर होंगे ना? एएस के जो डाइमेंशंस होंगे, हाँ सर, ये किसके बराबर होंगे? ये बी स्क्वायर के बराबर. मतलब देखो वेलोसिटी स्क्वायर क्या लिख सकते हो, एल टी माइनस वन. ठीक है, इसको स्क्वायर कर दो, इस तरह यू स्क्वायर वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी क्या हुआ, एल स्क्वायर टी माइनस टू. यस और नो? तो अब इसके भी डाइमेंशंस क्या होंगे, एल टी माइनस वन होल स्क्वायर हो गया. देखो तो ये भी आ गया एल स्क्वायर टी माइनस. अब यहाँ पर ए क्या होता है आपका, ए आपका एक्सिलरेशन होता है. आई एम अज्यूमिंग यू आर नोइंग दिस इक्वेशन. ठीक है, एस इज योर डिस्प्लेसमेंट. यस. ठीक है, तो एक्सिलरेशन कितना हो जाएगा, एल टी माइनस माइनस टू इंटू एल. ठीक है, तो कितना हो गया, एल एल स्क्वायर टी माइनस टू. टी माइनस टू. ठीक है सर, तो सेम आ रहे कि नहीं आ रहा है? यस सर. तो ये बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत ही कॉमन सेंस वाला कंसेप्ट है कि भाई हम अगर वेलोसिटी ले रहे तो वेलोसिटी के साथ ही ऐड करेंगे. हम वेलोसिटी के स्क्वायर को वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ ही ऐड कर सकते हैं. समझ में आ रही है बात? यस सर. तो यहाँ पर ये क्वांटिटी कुछ भी होने दो. ठीक है, ए बाई बी स्क्वायर. ए बाई बी स्क्वायर का जो फाइनल जो ये फिजिकल क्वांटिटी आएगी ए बाई बी स्क्वायर, दिस विल बी सेम एज प्रेशर. ठीक है, जैसे यहाँ पर एक्सिलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी क्या आ रही है, वेलोसिटी का स्क्वायर आ रही सर, है. वो मैं ऊपर का लिख रहा था, बाद में चलो लिख लेना, मैं इसका पीडीएफ आपके साथ शेयर ही करने वाला हूँ ना सर. बस एक मिनट सर, एक मिनट. ओके. डायमेंशंस आर बेसिकली आल्सो यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग अ फिजिकल फॉर्मूला. तो इसका एक और एप्लीकेशन है डायमेंशन का. क्या है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस, इसको हम बोलते हैं इट इज यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग अ फिजिकल फॉर्मूला. एटलीस्ट क्वांटिटीज वाइज तो हम निकाल ही सकते हैं. ठीक है, इसको दूसरा कलर लेते हैं, कोई कौन सा कलर लें, ये ले लेते हैं, चलो ये ले लेते हैं. ठीक, तो इट इज यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग अ फिजिकल फॉर्मूला. सो एस्टिमेटिंग मतलब कोई फिजिकल फॉर्मूला है तो उसको आपको थोड़ा बहुत मतलब निकालना है कि मोस्टली किन किन क्वांटिटीज पर ये वेरी करेगा. ठीक, देखो मैं क्या अभी निकाला वैसा ही ना? नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी निकाला वैसा नहीं. देखो ये थोड़ा सा वाला, वो प्रेशर वाला. नहीं वैसा नहीं, वैसा नहीं. देखो अभी अगर मान लो मैंने यहाँ पर ऐसा बोला कि आपका टाइम, ठीक है, जैसे अभी अगर मान लो मैंने ऐसा बोला टाइम जो है आपका, ठीक है, टाइम किन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड कर रहा है, टाइम पैरामीटर किन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड कर रहा है, टाइम डिपेंड्स ऑन सर फंडामेंटल क्वांटिटी. हाँ सर, फंडामेंटल क्वांटिटी है ना. हाँ बट ठीक है, मान लो कोई कहीं पर आप कोई फॉर्मूला निकाल रहे हो, उस फॉर्मूले में टाइम जो है वो किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहे हैं वो हम बोल रहे हैं. टाइम तो एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी है, बट अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है, मान लो आप पेंडुलम वाला एक्सपेरिमेंट करते हो ना. हाँ सर. मान लो टाइम का फॉर्मूला आपको निकालना है तो उस सेंस में मैं बोल रहा हूँ, टाइम पीरियड होता है ना. हाँ सर. ठीक है, तो वैसा टाइम, तो इट्स अ फंडामेंटल क्वांटिटी ओनली. ठीक है, तो लेट्स से टाइम डिपेंड्स ऑन कौन कौन सा. पेंडुलम में टाइम इस पे डिपेंड करता है ना, लेंथ पे. देखते हैं देखते हैं. तो मान लो लेबोरेटरी में हो, इधर देखो इधर देखो. हेलो सर. यस यस बोलो. सर्वोदय डिम मतलब डायमेंशन ना, कि डायमेंशनल फॉर्मूले. हाँ, डायमेंशनल यूज ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूलास. ठीक है, तो अब एक पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो आपको. अच्छा, यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, यहाँ पे एल है, यहाँ पे इसका मास है, और आप बोल सकते हो एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है. तो आपको लग रहा हो सकता है टाइम इन तीन चीजों पर डिपेंड कर जाए. ठीक है, तो आप बोलो टाइम डिपेंड्स ऑन किस किस चीज पर. टाइम डिपेंड्स ऑन, आपने बोला लेंथ. ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन मास. इसका भी एक लिमिटेशन है, वो बताऊंगा मैं क्या है. ठीक है, और इट डिपेंड्स ऑन मान लो ग्रेविटेशन, ग्रेविटी. ठीक है, ठीक,
ओके तो आप देखो इसको कैसे लिखते हो, आप इसको ऐसे लिखते हो टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस पे लेंथ, ठीक है, लेंथ टू द पावर ए, मास टू द पावर बी एंड ग्रेविटी टू द पावर सी, ठीक है। ठीक, अब यहां पर आप फिजिक्स में जनरली हम ऐसा करते हैं ना, मान लो कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसको इसको हटा के भी हम क्या कर सकते हैं, आप एक कांस्टेंट लगा सकते हैं कांस्टेंट, लेकिन वो यहाँ पर लिमिटेशन क्या है, ये कांस्टेंट जो है एक नंबर होना चाहिए, दिस शुड नॉट बी अ फिजिकल क्वांटिटी, दैट यू कैन से इज वन ऑफ द लिमिटेशन फॉर ऑफ दिस फॉर्मूला, ठीक है। के शुड बी अ नंबर, के कैन नॉट बी अ फिजिकल क्वांटिटी, मैं लिख दूंगा अभी यहाँ पर, मुझे समझ नहीं कुछ तो बताओ लेंथ के डायमेंशन क्या होंगे, लेंथ के डायमेंशन क्या होंगे जल्दी से बताओ, लेंथ के डायमेंशन एल ही होगा ना, एल टू द पावर ए होगा, ओके। मास का डायमेंशन के क्या समझे नहीं सर, के कोई भी के कैन बी एनी कांस्टेंट, देखो हम लोग फिजिक्स में क्या करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, कभी कभी मैं आपको ऐसा मैं बोलता हूँ ना, जैसे मान लो मैंने बोला वेलोसिटी जो है, या हम लोगों ने जब करंट पढ़ा था, देखो जब हम लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा था तो मैंने क्या बोला था, पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप बढ़ाओगे तो आपका करंट भी बढ़ेगा, तो आप क्या बोलते हो, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, हां सर ओम्स लॉ बोलते हो, तो जब आप ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हो तो क्या आ जाता है यहाँ पर, एक हम बोलते हैं यहाँ पे कॉन्स्टेंट आ गया, ये आर आ गया कॉन्स्टेंट, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, लेकिन देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस के कुछ यूनिट है, दिस इज नॉट अ डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट, समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही सर, आर क्या है, डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट, दिस इज नॉट अ डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट, मतलब आर के कुछ डायमेंशन होंगे, तो यहां पर हम ये वाला केस नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हो बात को, आप देखो आप कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चंस करते हो ना, जैसे मान लो यहाँ पे मैन है, यहाँ पे वर्क है, ठीक है, तो अब मान लो यहाँ पे 10 मैन कैन डू और यहाँ पे डेज है, मैन वर्क, इस टाइप के प्रॉब्लम्स किए हैं आपने कि नहीं किए हैं, मैन वेरिएशन, 10 मैन कैन डू, हाँ वेरिएशन वाले, 10 मैन कैन डू वन पीस ऑफ वर्क इन मान लो 5 दिन में, ठीक है, तो 20 men एक पीस का वर्क कितने दिन में करेंगे, x डेज में करेंगे, ठीक है, ठीक, तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, men की नंबर क्या हो रही है, बढ़ रही है, men की नंबर बढ़ रही है, तो डेज के नंबर क्या होगा, इट विल इंक्रीज और इट विल डिक्रीज, तो 2.5 आ रहा है, 2.5 आएगा, कैसे किया आपने, तो देखो यहाँ पर आप इसको, मैं इसको देखो कैसे करता था, आई कैन से men जो है, men इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डे ना, हाँ सर, राइट, उसके बाद आप क्या, तो अभी हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, मैन इनटू डे एक मान लो कांस्टेंट है, हाँ सर, मैन इनटू डे कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे, ठीक है, जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, व्हाट विल हैपन, यहाँ पर एक हम कांस्टेंट हटा देंगे, हम भी कैन से मैन इज एक्चुअली इक्वल टू सम कांस्टेंट अपॉन डे, समझ रहे हैं, ऐसे स्टेटमेंट के फॉर्म में बोलते हैं कि व्हेन देयर इज इनवर्स वेरिएशन देन प्रोडक्ट इज कॉन्स्टेंट, या प्रोडक्ट इज कॉन्स्टेंट ना बोलते हैं ना पैसा, हाँ सर, वही चीज है यहाँ पर, ठीक है, अभी बात समझ में आई, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट है इसकी कोई यूनिट नहीं है, मैथ्स में आप जो ये कॉन्स्टेंट लगाते हो यहाँ पे इसकी कोई यूनिट नहीं है, ठीक है, यस सर, यस सर, अब देखो फिजिक्स में भी हम यही सेम चीज करते हैं, अभी मान लो मैंने बोला मान लो मैंने बोला क्या बोला डिस्टेंस, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, मतलब अभी डिस्टेंस आप जितना बढ़ाओगे उतना ज्यादा आपका टाइम भी बढ़ेगा, करेक्ट, यस और नो, तो आप क्या बोलते हो, तो अब आप इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा के यहाँ पे क्या लगा सकते हो, एक कॉन्स्टेंट स्पीड वेलोसिटी, वेलोसिटी सर वो डिस्टेंस है ना, हाँ ठीक है, वेलोसिटी या स्पीड, मान लो स्ट्रेट लाइन में तो स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी, यू नो, ठीक है, yes, समझ में आई बात कि नहीं आई, सर आ रही है बात, बट यहाँ पे देखो स्पीड क्या है, स्पीड के पास भी क्या है, डायमेंशंस हैं, तो ये फॉर्मूला जो ये वाला जो हम देख रहे हैं एप्लीकेशन, ये हर जगह नहीं लगता है,
ठीक है, ये हर जगह नहीं चलता ये। ओके चलो फिर, मतलब एक कंक्लूजन क्या हुआ इसका? ठीक है मैं बताता हूँ कंक्लूजन क्या हुआ। देखो मास को हम क्या लिख सकते हैं, मास को हम एम लिख सकते हैं बी, और ग्रेविटी क्या होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ सर जी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एल टी, एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, एल टी माइनस टू होता है। हाँ सर। तो दिस इज सी। ठीक, अच्छा यहाँ पर के मैंने जैसे आपको बोला के शुड हैव नो डायमेंशंस, के शुड हैव नो डायमेंशंस, ठीक है सर, क्यों नहीं होना चाहिए, ये तो फिजिकल क्वांटिटीज है ना। हाँ, के शुड हैव नो मतलब के शुड बी अ नंबर, के कोई डायमेंशन नहीं होता चाहिए वो। हाँ, इट शुड बी डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस मतलब उस m0 l0 t0 लाइक दैट। ठीक है, डायमेंशन मतलब तो ये होता ना, नहीं सॉरी मैग्नीट्यूड नहीं ना, मतलब k की जो वैल्यू है m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, मतलब क्यों चाहिए डायमेंशनलेस? नहीं तो फिर बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, आप पूरा मेथड देखो तो आपको समझेगा क्यों हमें डायमेंशनलेस से। ठीक है, के शुड हैव नो डायमेंशन, मैं पूरा मेथड आपको बताऊंगा तो आपको समझेगा ये। ठीक है, के शुड बी अ नंबर, पहले मेथड देख लो फिर हम, आपके कुछ डाउट रहेगा वी कैन डिस्कस दैट। तो देखो अभी मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, नो मतलब नहीं, एम की पावर यहाँ पे जीरो हो गई। अब देखो एल एच एस में क्या है, एम की पावर जीरो, L की पावर जीरो और T की पावर कितनी है, वन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे K, अब यहाँ पर M की पावर कितनी है, M की पावर B है। ठीक है, L की पावर कितनी है, L की पावर है A प्लस C है कि नहीं, देखो यहाँ पे L, L क्या है, L A भी है, L C भी है। हाँ सर, हाँ सर। लिख सकते हैं L A प्लस C, लिख सकते हैं इसको, यस सर, लिख सकते हैं कि नहीं बच्चों? एक्सपोनेंट्स के लॉज है। हाँ सर। टी की पावर कितनी लिख सकते हैं, टी की पावर माइनस टू सी लिख सकते हैं। तो ये कुछ नहीं बस एक्सपोनेंट्स है आपका। ठीक है, ठीक है, अब बताओ, अब अगर मान लो मैं एल एच एस और आर एच एस साइड को कंपेयर करूं तो क्या आप बताओ बी की वैल्यू बता सकते हो कितनी होगी? सर जीरो। अगर मैं एल एच एस और आर एच एस साइड को कंपेयर करूं तो अभी मुझे बता सकते हो बी की वैल्यू कितनी होगी, कितनी होगी? सर जीरो। सर जीरो। जीरो होगी। ओके, ए प्लस सी की वैल्यू कितनी होगी? जीरो। जीरो होगी। माइनस टू सी की वैल्यू कितनी होगी? वन। वन होगी। और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर वन बाई टू, माइनस वन। माइनस वन बाई टू। तो अगर सी की वैल्यू माइनस वन बाई टू आ गई तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर प्लस वन बाई टू। प्लस वन बाई टू हो जाएगी। ठीक है ना सर, पर हमें डायमेंशनलेस क्यों करना है इन सबको? जैसे हमने ऊपर देखा कि डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। पूरा हो जाने तो बताता हूँ देखो बता रहा हूँ मैं, सब बताऊंगा आपको, डोंट वरी। उसके बाद अगर आपका कुछ डाउट है तो पूछना। ठीक है, तो अभी देखो, तो अभी अगर मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले को लिखूं, टी इज इक्वल टू के टाइम्स, अभी समझो मैंने क्या बोला था, ए की पावर कितनी आ गई मेरी, ए की पावर आ गई हाफ, तो लेंथ की पावर कितनी आ गई, लेंथ की वैल्यू, लेंथ की पावर कितनी आ गई, लेंथ की पावर आ गई हाफ। ठीक है, उसी तरह मेरा मास की पावर कितनी आ गई, मास की पावर आ गई जीरो, मतलब मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ठीक है, और मेरा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसकी पावर कितनी आ गई, माइनस हाफ आ गई। ठीक है, ओके करेक्ट। तो अब देखो टाइम कितना हो गया मेरे पास, टाइम के बाद हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एल बाई जी इसकी पावर हाफ, और लैबोरेटरी में भी आप यही फॉर्मूला यूज करते हो, आप इसको चेंज आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, समझ रहे हो? ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हमने यहां पर क्यों बोला कि इसके डाइमेंशंस नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर इसके भी डाइमेंशंस होंगे तो वो भी इसमें ऐड हो जाएंगे ना, समझ रहे हो कि नहीं? मान लो के की कोई डाइमेंशन होते थे, के डायमेंशन होते थे एल टी माइनस वन, मान लो के वाज सम हैविंग सम वेलोसिटी आल्सो, के डायमेंशन वेलोसिटी के बराबर है, तो आपको नहीं लगता यहाँ पर फिर इसके डायमेंशन भी हमें इसमें ऐड करने पड़ेंगे पूरी इक्वेशन में? हाँ सर, सब में इनटू करने पड़ेंगे। यस, तो फिर दैट विल गिव मी एरर इन माय रिजल्ट, समझ रहे हो बात को? LHS और LHS पर इक्वल नहीं होंगे अगर वो। हाँ यस, LHS RHS इक्वल नहीं होंगे डायमेंशनली फिर। ठीक है सर, पर हमने जो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम देखा था उसमें तो स्पीड आया था कांस्टेंट, तो उसके तो डायमेंशंस थे ना।
ठीक है ना, बट हमने देखो वो जैसे आपको एक बताने का तरीका था, बट अगर आप देखोगे वेलोसिटी को हम बोल सकते हैं ना, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो आपको मालूम है ना ये फॉर्मूला, आपको मालूम है, अगर कोई फॉर्मूला पता है तो आप उसके डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर प्रोपोर्शनल पता है तो फिर उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए आपका जो कॉन्स्टेंट है उसके डायमेंशन डायमेंशनलेस होने चाहिए, ठीक है। यस सर, समझ में आई ये बात? ओके, लैबोरेटरी में जब आप एक्सपेरिमेंट करते तो एक्चुअली यू कैन सी कि जो टाइम पीरियड है डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ दिस पेंडुलम। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? यस सर, यस सर। तो जब आप लैबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट को करते हो तो व्हाट डू यू सी इज जो टाइम पीरियड है डज नॉट डिपेंड ऑन मास। आप अलग अलग मासेस लो तो टाइम पीरियड आपका हमेशा सेम रहता है, करेक्ट ना? ठीक है, यहाँ पर ये एक ठीक है। चलो अभी मैं आपको बोल रहा हूँ एनर्जी जो है, देखो अभी दिस इज क्वेश्चन, ट्राई सॉल्विंग दिस। एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी, तो आई थिंक यू कैन गेस दिस फॉर्मूला। तो मास एम वेलोसिटी वी, ठीक है। तो अब यहां पर जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, तो उस कांस्टेंट को आपको अज्यूम करना है इट्स अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ठीक है। देन ओनली आई सेड यू कैन प्रोसीड विद दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, अदरवाइज आपका जो रिजल्ट है, आपकी जो इक्वेशन जो बनेगी, मतलब यहाँ पे आप इक्वेट कर रहे हो ना, तो दिस विल बी अ रॉन्ग इक्वेशन, ठीक है, ये गलत आ जाएगी आपकी इक्वेशन। LHS RHS फिर इक्वल नहीं होगा अगर इसके भी कुछ डायमेंशन है तो, ठीक है। चलो ट्राई करोगे इसको? हाँ सर, जल्दी से करो ट्राई। यहां पर आपको फॉर्मूला फाइंड करना है, तो एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, फाइंड द फॉर्मूला फॉर एनर्जी। ओके सर, फाइंड फॉर्मूला फॉर एनर्जी। फॉर्मूला ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ एम एंड वी, ठीक है, करो जल्दी से सॉल्व। आपका आंसर है, इसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बनाना थोड़ा, बना पाना थोड़ा टफ है, बट मैंने जैसे आपको बता दिया कि इस टाइप का भी एक एप्लीकेशन है, ठीक है। तो वंस यू गो थ्रू योर बुक यू कैन फाइंड दिस दिस काइंड ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। ओके, तो देखो यहाँ पर एनर्जी जो होता है मेरा, एनर्जी दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे बोला इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास टू द पावर ए और वेलोसिटी टू द पावर बी, ठीक है। तो जब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो एनर्जी ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सम कांस्टेंट के टाइम्स मास की पावर ए और वेलोसिटी की पावर बी, ठीक है। सॉरी, तो इक्वल टू साइन आ जाएगा यहाँ पर। हाँ सर, इक्वल, ठीक है, दिस इज इक्वल टू। तो देखो कितना हो, के टाइम्स m to the power a और velocity कितना है lt minus 1 to the power b, ठीक है। Yes sir, k into m a, ठीक, l to the power b, t to the power minus 2, ठीक है ना, बराबर है ना सर, माइनस बी ना, हाँ बराबर, माइनस बी होगा। एनर्जी देखो, एनर्जी का डायमेंशन क्या था, वर्क वाज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डायमेंशन ऑफ फोर्स, फोर्स का तो आई थिंक सबको रट गया होगा, एम एल टी माइनस टू, मास इनटू एक्सीलरेशन एम एल टी माइनस टू, ठीक है, इनटू डिस्प्लेसमेंट एल, कितना हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ठीक। तो यहाँ से तो डायरेक्टली आ रहा है, देखो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, बस अब देखो यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू क्या है, आरएचएस और एलएचएस के डायमेंशंस तो सेम होने चाहिए ना, करेक्ट, एलएचएस और आरएचएस के डायमेंशंस शुड बी सेम, तो ए की वैल्यू, यहाँ से जब हम कंपेयर करेंगे तो बी के देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू टू हो जाएगी, तो यहाँ पे भी देखो माइनस बी इज इक्वल टू माइनस टू, यहाँ से भी बी की वैल्यू टू आ रही है, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, ए की वैल्यू वन हो गई, बी की वैल्यू टू हो गई,
देखो एनर्जी कितना आ गया, एनर्जी इज इक्वल टू के टाइम्स एम वी स्क्वायर, समझ रही है बात? पर कैसे? देखो ना ए की वैल्यू 1 पुट कर दो यहाँ पर, बी की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो कितनी आ गई के टाइम्स एम वी स्क्वायर आ गई कि नहीं आ गई एनर्जी? अच्छा हाँ सर, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 2 जो आपकी आई है, देखो ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 2 आई है, आपकी इसको कहाँ पे पुट करना है? इसको तो एम और वी के ऊपर, ठीक है, समझ रहे हो? वो सर यू गेट दिस फॉर्मूला, तो के की वैल्यू हाफ हो गई ना? हाँ वी नो ना, एक्सपेरिमेंट से आप कैलकुलेट कर सकते हो के की वैल्यू हाफ आएगी। ओके सर अंडरस्टूड, ठीक है।